Hey guys, कैसे हैं आप सब? मैं भावना सहानी जी हिंदुस्तान डिजिटल पर आपके लिए कुछ ऐसी चटपटी जानकारी लेकर आई हूं जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि जहां जहां स्टार्स जाते हैं उनके बॉडीगार्ड जरूर उनके साथ होते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आपको इन बॉडीगार्ड्स की सैलरी के बारे में कोई जानकारी है? कम से कम गेस ही कर लीजिए। तो करिए, हजारों में, लाखों में? अगर आपकी भी सुई यहीं आकर अटक गई है तो आप गलत हैं। बॉलीवुड सितारों के बॉडीगार्ड्स की सैलरी करोड़ों में होती है। मैंने कहा था ना आपसे कि आपके होश उड़ जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि दरअसल हम क्यों अचानक इन बॉडीगार्ड्स की सैलरी के बारे में बात कर रहे हैं। दरअसल हुआ कुछ यूं है कि इन दिनों बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के बॉडीगार्ड जितेंद्र शिंदे हाल ही में अपनी सैलरी को लेकर सुर्खियों में थे। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि उनकी सैलरी सालाना 1.5 करोड़ रुपए है। अब जब इस मामले ने जोर पकड़ा तो जितेंद्र के खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो गई। कांस्टेबल जितेंद्र शिंदे को पुलिस डिपार्टमेंट से अटैच कर दिया गया। खैर ये तो बात रही सिर्फ बिग बी के बॉडीगार्ड की। आगे की जानकारी जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आप निश्चित तौर पर दंग रह जाएंगे। मैं कोई मजाक नहीं कर रही, जो दावे रिपोर्ट्स में किए गए हैं उसे आप खुद ही देख लीजिए। सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा को आज कौन नहीं जानता, जो अपने आप में एक सेलिब्रिटी बन चुके हैं। दबंग खान के साथ हर मुश्किल में खड़े रहने वाले शेरा अक्सर पेपराजी के कैमरे में कैद हो जाते हैं। हालांकि इसके लिए उन्हें अच्छी खासी सैलरी भी मिलती है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि शेरा को सालाना 2 करोड़ रुपए सैलरी दी जाती है। वहीं शेरा आज ना सिर्फ सलमान खान के बॉडीगार्ड रहे हैं बल्कि उनके परिवार का एक सदस्य बन चुके हैं। वहीं शाहरुख खान की बात करें तो उनके फैंस आज पूरी दुनिया में मौजूद हैं। दूसरी ओर साई की तरह किंग खान के साथ रहने वाले उनके बॉडीगार्ड रवि सिंह उनकी सुरक्षा को लेकर कभी कोई रिस्क नहीं लेते। रिपोर्ट्स की माने तो इस काम के लिए रवि सिंह को 2.7 करोड़ रुपए सालाना सैलरी मिलती है। बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की बात करें तो वह जहां भी जाती हैं फैंस उनकी एक झलक के दीवाने हो जाते हैं। इन्हीं बेकरार फैंस से दीपिका को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी उठाते हैं उनके बॉडीगार्ड जलाल, जो हर वक्त एक्ट्रेस के साथ दिखते हैं। खास बात यह है कि दीपिका जलाल को अपना बॉडीगार्ड नहीं बल्कि भाई मानती हैं और हर साल रक्षाबंधन पर उन्हें राखी भी बांधती हैं। वहीं जलाल को वह सालाना करीब 90 लाख रुपए सैलरी देती हैं। बॉलीवुड के सबसे फिट स्टार अक्षय कुमार फिल्मों में अपने एक्शन सीन्स को लेकर बेशक चर्चा में रहते हो, लेकिन रियल लाइफ में खिलाड़ी कुमार को भी अपनी सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड की जरूरत पड़ ही जाती है, जिसकी जिम्मेदारी उठाते हैं श्रेयस ठेले। 24 घंटे अक्षय की सुरक्षा में खड़े रहने वाले श्रेयस उनके बेटे आरव को भी सुरक्षित रखते हैं। अक्षय और उनके बॉडीगार्ड के बीच इतनी अच्छी बॉन्डिंग है कि अभिनेता उन्हें प्यार से राजू बुलाते हैं। वहीं अभिनेता श्रेयस को सालाना करीब 1.2 करोड़ रुपए सैलरी देते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आपका फेवरेट स्टार कौन है जिससे मिलने के लिए आप हमेशा बेताब रहते होंगे? वैसे इन फिल्मी सितारों की लाइफ भी कितनी दिलचस्प होती है ना, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि स्टारडम के साथ इन सितारों की लाइफ में कितनी मुसीबतों की एंट्री होती है? सबसे बड़ी परेशानी तो इनकी सुरक्षा की है। ये सितारे जहाँ भी जाते हैं वहाँ हजारों लाखों फैंस की भीड़ जमा हो जाती है। ऐसे में ये सितारे अपनी सुरक्षा के लिए सबसे ज़्यादा भरोसा सिर्फ अपने पर्सनल बॉडीगार्ड्स पर ही कर सकते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए जी हिंदुस्तान।